यूपी में कोरोना की दूसरी लहर में सरकार को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खुद संभाल लिया है। लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने से लेकर वैक्सीनेशन अभियान को गति देने पर सरकार जोर दे रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब तक 45 साल के ऊपर के साथ 18 प्लस के ऊपर के लिए वैक्सीनेशन के लिए बूथ बनाए गए, फिर महिलाओं के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था की गई है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश के बाद 14 जून से रेहड़ी ठेला वालों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी वैक्सीनेशन अभियान चलाने का काम किया जाएगा, जिसमें अलग अलग केंद्रों पर उन्हें वैक्सीन लगेगी। दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग जैसे कि ऑटो, टेम्पो चालक व फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए भी टीकाकरण केंद्रों की व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों पर 14 जून से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडिशनल CMO डॉक्टर NK पांडे ने बताया। हाँ, इसकी गाइडलाइन हम लोगों को प्राप्त हुई है। 14 तारीख से एक्चुअली हम लोग नगर निगम में ठेले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, इन लोगों के लिए एक बूथ लगाएंगे। इसमें दो तरह के बूथ होंगे, एक 18 प्लस का होगा और दूसरा 45 प्लस का होगा। इसके साथ ही हम RTO ऑफिस में बूथ लगाएंगे, जो कि ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर आदि जो हैं इनके लिए। वहाँ भी दो तरह के बूथ होंगे, एक 18 प्लस के लिए और दूसरा 45 प्लस के लिए। कैंप लगा के जाएगा? हाँ, ये वैसे ही होगा जैसे कि वर्क प्लेस CVC होता है। वहाँ लोग आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और फिर हम उनका वैक्सीनेशन कर देंगे।